जी कुछ इनका है कि राधा नाम और श्री राधा नाम में तत्वता और माधुर्य में क्या अंतर है, यहाँ श्री राधा में श्री से क्या प्रयोजन है, तात्पर्य? देखो हमारी श्री जी सब रूपों में विराजमान है यहाँ ब्रज में। जब हम श्री शब्द केवल अन्यत्र लगाएंगे तो वो वैभव संपन्न होगा, क्योंकि श्री श्यते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रे, तो वो श्री शब्द वैभव से होगा। लेकिन यहाँ जो श्री शब्द है वो प्रेम स्वरूपा लाडली जो से संबंधित है, यहाँ हमारी श्री जी, वहां श्री वैभव से संबंध, जो सर्वत्र श्री लगता है वो श्री श्यते पत्नी च लक्ष्म्या, वो ईश्वर जो हरि रूप नारायण रूप उनकी जो पत्नी के रूप में विराजमान है लक्ष्मी जी, वहां श्री की बात है। हाँ लेकिन यहां जब हम बात करें तो हमारी श्री जी प्रेम रूपा, ये वृंदावनेश्वरी ये प्रेम स्वरूपा है। तो अगर हम राधा बोल रहे हैं तो श्री की आवश्यकता नहीं, और श्री राधा बोल रहे तो मानो हम डबल राधा राधा बोल रहे हैं। जैसे एक पद में आया है ना कि नैनन परवारों कोटिक खंजन, तो बोले चंचल नेत्र कैसे है, चंचल चपल, दोनों का अर्थ क्या होता है, एक बतल पर कह रहे चंचल चपल अरुण अनियारे अग्र भाग बनेवन, तो राधा बोलो तो और श्री राधा बोलो तो। तो अगर श्री का हम अर्थ करेंगे तो राधा राधा, इसीलिए राधा राधा। अगर हम श्री लगाते हैं तो और अच्छा, नहीं लगाते तो वही है राधा राधा। हमारे यहां श्री का अर्थ वैभव नहीं है, श्री का मतलब प्रेम है, हित है, बहुत महामहिम किशोरी जी का स्वरूप है श्री। लेकिन उसे जब हम धाम की सीमा के बाहर लगाएंगे कहीं अन्यत्र तो वही वैभव हो जाएगा, वही सम्मान सूचक हो, वही ऐश्वर्य सूचक हो जाएगा। पर यहाँ तो साक्षात श्री श्री जी है। पूरा नाम ना लेकर के रसिक जन तो इतने बोलते हैं श्री जी की सेवा में जा रहे हैं, श्री जी को भोग लगा रहे हैं, श्री जी श्री जी श्री जी। तो हमारी श्री जी मतलब महारानी जी।